सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हो कि आपके चैनल का जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है वो किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हमारे एडसेंस में हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है, कुछ वेरिफिकेशन करने होते हैं, तो उसी में ये एक ऑप्शन होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, जो कि हमें करना पड़ता है। अगर आप हम ये नहीं करते हैं तो दोस्तों हमारा पेमेंट जो है वो होल्ड रहता है और पेमेंट नहीं आता है, ठीक है। सो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किस तरीके से करना है, ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट आपको मैं यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेज होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो का कोई पार्ट स्किप कर दिया तो दोस्तों आप यहाँ पर अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो अब नया तरीका आ गया है ना 2022 में, काफी सारे चेंजेस हुए हैं, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का भी कुछ नया तरीका आ गया है। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगर आप स्किप कर दोगे ना तो फिर आप नहीं कर पाओगे और आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। फिर आप कमेंट करोगे कि भाई मैं प्रॉब्लम में फंस गया, ये हो गया, मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो गया, ठीक है। सो आपको वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है। चलिए दोस्तों वीडियो को हम यहां पर आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और यहां पर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करते हैं, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने के बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है। ऑन होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें क्रोम ब्राउजर को यहाँ पर ओपन करना है। यानी कि क्रोम ब्राउजर क्या, हमें यहाँ पर अपना एडसेंस जो है उसको यहाँ पर लॉग इन कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम अपने एडसेंस को यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं। एडसेंस को लॉगिन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो फोन है जो अभी इस तरीके का दिखाई दे रहा था, इसमें आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर इस फोन को जो है घुमा लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो आसानी से हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सबसे बड़ा झूठ जो लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर $10 कंप्लीट होंगे तभी आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे $3 ही हुए हैं यहाँ पर, लेकिन मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहां पर मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे $3 हैं। अब दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा तो आपको यहां पर ऊपर में बैनर का एक ऑप्शन आ जाएगा, योर यूट्यूब पेमेंट्स आर ऑन होल्ड एज यू अकाउंट इश्यूज टू फिक्स, और यहां पर साइड में बटन लिखा होगा एक्शन, ठीक है। तो आपको यहां पर या तो आप एक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको यहां पर बगल में जो 3 लाइंस मिलती है, ठीक है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये 3 लाइंस मिलती हैं, ये गूगल एडसेंस लिखा है ना, इसके जस्ट बगल में ये 3 लाइन, इस पर क्लिक करेंगे, पेमेंट पर क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन चेक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जिसमें लिखा होगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में लिखा होगा, ये ऑप्शन आएगा, इसमें लिखा होगा नीड अटेंशन, और यहाँ पर साइड में टेक एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टेक एक्शन या तो आप वहीं पर क्लिक कर सकते थे या फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। टेक एक्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, वो देखिए दोस्तों टेक एक्शन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, प्रोवाइड सम इन्फो अबाउट योरसेल्फ टू कंटिन्यू। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं $3 ही है, 10 नहीं है, जो लोग काफी सारे यूट्यूबर बताते हैं, काफी सारे क्या सभी यूट्यूबर बताते हैं $10, ठीक है, मैं इसकी भी सच्चाई बता दूंगा अगली वीडियो में। तो वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आप देखिए वेरीफिकेशन के लिए 4 चीजें यहाँ पर जरूरी है, मतलब 4 चीजों में से आप किसी एक चीज को लगाकर वेरिफिकेशन कर सकते हो, इंडिया पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर 99% लोग पैन कार्ड से ही करते हैं, तो मैं भी पैन कार्ड से ही करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर एक चीज क्लियर मेंशन की हुई है इन्होंने कि आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि जो आधार कार्ड है आपका वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आप आधार कार्ड को अपलोड मत कीजिएगा, नहीं तो आपका और वैसे भी मतलब वो फेल होना ही है, 100% नहीं 200% वो फेल होना है, अगर आपने आधार कार्ड को यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया, आधार कार्ड से आपने वेरिफिकेशन करना चाहा तो। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बिगिन करेंगे। बिगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लीगल नेम पर क्लिक करेंगे, लीगल नेम यहाँ पर हमें डाल देना है, और दोस्तों हमें लीगल नेम में वही नेम डालना है जो हमारे पैन कार्ड पर हो, ठीक है, वही नेम हमें यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हम जो है लीगल नेम डाल देते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट आईडी टाइप पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो क्या है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम पैन कार्ड पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो पैन कार्ड पर क्लिक करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे में आएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 फोटो अपलोड करने को, फ्रंट ऑफ आईडी और बैक ऑफ आईडी, मतलब जो हमारा पैन कार्ड है उसकी फ्रंट साइड की फोटो और बैक साइड की फोटो, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम दोस्तों अपने गैलरी में जाकर अपनी पैन कार्ड की फोटो को अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि आप जहाँ जैसे किसी जगह पर आप रखकर फोटो खींचोगे ना पैन कार्ड की, तो दोस्तों आपको उस जगह का बैकग्राउंड भी
आना चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं क्रॉप कर दो, आप ऐसा नहीं करना है, आपको उसका बैकग्राउंड भी आना चाहिए कि पैन कार्ड किस जगह रखा है, थोड़ा बहुत मतलब उसकी जो एरोज होते हैं किनारी होते हैं उनकी वो नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों फोटो अपलोड कर दिए, अपलोड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, नीचे में जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, अपलोड हो गई है दोनों फोटो फ्रंट और बैक। अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके नेक्स्ट के बटन पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर ये पूछेगा हमारा एड्रेस, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर वही एड्रेस फिल करना है क्योंकि इस एड्रेस पर आपका वेरिफिकेशन पिन आएगा जो आपका गूगल एडसेंस का पिन होता है। तो यहाँ पर मैंने अपना पिन जो है डाल दिया एड्रेस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, वाइट हो जाएगा आपका पूरा जो फोन है वो थोड़ा सा उसका डिस्प्ले वाइट हो जाएगा, उसके बाद ये लोडिंग लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि यहाँ पर ये अपने टाइम से ही चलेगा, आपसे कोई परमिशन तो इसको चाहिए नहीं, आपको इससे परमिशन चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना होगा, वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपका जो है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, यू आर ऑल सेट, चेक द ईमेल दैट वी सेंड यू यू मोर डिटेल। तो यहाँ पर आपको यहाँ मेल भी आ चुका है, आप देख सकते हैं तुरंत मेल भी आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है। सो इस तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम ऊपर करते हैं और गॉट इट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये जो एक्शन बटन का जो यहाँ पर हमें बैनर ऊपर आ रहा था इसमें लिखा होता है योर पेमेंट आर होल्ड, तो दोस्तों अब ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा बिल्कुल, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो एक्शन बटन है वो यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से हम बैक करते हैं, बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा बैनर था एक्शन बटन का जो बैनर ऊपर आ रहा था वेरिफिकेशन के लिए वो यहाँ पर हट चुका है, ठीक है। तो और बाकी का यहाँ पर एडसेंस का यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ $3 ही बना हुआ है, ठीक है। सो अब दोस्तों हम यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दें कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर ने बता रखा है कि आपके जो एडसेंस अकाउंट पर जब तक $10 नहीं होंगे तो आपका जो है वेरिफिकेशन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, या आप इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस जो एडसेंस अकाउंट है इसमें सिर्फ $3 थे, ठीक है, और $3 पर ही मैंने पिन के लिए अप्लाई कर दिया है और अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो दोस्तों आपको हर बात में बड़े यूट्यूबर्स की बात पर भरोसा नहीं करना है, हम लोग भले ही छोटे क्रिएटर हैं बट इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी देते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिए क्योंकि यहाँ पर हर रोज ऐसा नॉलेजबल कॉन्टेंट शाम को 5 बजे आपको देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा, वंदे मातरम, जय हिंद।